हमारे रामनगर में 14 अक्टूबर 2018 को नगरपालिका ऑडिटोरियम में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार तथा अपराध एवं कानून व्यवस्था तथा उत्तराखंड की अध्यक्षता में जनसंवाद किया गया, जिसमें रामनगर शहर के गणमान्य सम्मानित नागरिकों ने बताया कि जनपद में युवाओं एवं छात्र छात्राओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति के संबंध में मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से नशे का सामान बेचा जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी मेडिकल स्टोर से खरीद कर नशा कर रही है एवं कई स्थानों पर चरस स्मैक को बाहरी व्यक्तियों द्वारा जनपद में रामनगर क्षेत्र में लेकर नशा करवाया जा रहा है, जिसकी रोकथाम करने हेतु उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाए तथा उक्त संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा रामनगर क्षेत्र की जनता को अवगत कराते हुए बताया कि राज्य एवं जनपद स्तर पर गठित की गई एंटी ड्रग्स स्टॉक फोर्स द्वारा विक्रेताओं तथा नशे को बढ़ावा देने वाले अपराधी तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिसके फलस्वरूप नशे को बढ़ावा देने वाले व क्रियाकलापों पर अंकुश लगाया जाए तथा ड्रग्स पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु उद्देश्य से ड्रग्स बेचने वाले व्यक्तियों तथा बिकने वाले स्थानों के संबंध में जानकारी देने हेतु मोबाइल नंबर 9412029536 जारी किया गया, जिस पर जनता से कोई भी व्यक्ति इस संबंध में सूचना दे सकता है। रामनगर क्षेत्र के जनता से संवाद और रामनगर क्षेत्र में जो पुलिस से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में जानकारी, तो काफ़ी लाइवली आज चर्चा रही और संवाद रहा। बहुत सारे मुद्दे लोगों के बीच से निकल कर के आए और हमें विश्वास है कि हम सबको अधिकांश का उसमें सोल्यूशन करने में सफल होंगे। सर, इसमें कुछ दलित समाज भी ऐसे हैं जहाँ पर अवैध रूप से दारू सब कुछ होता है, तो उन उस जगहों पर भी आपकी निगाह है? बिल्कुल, जो मुद्दे आए हैं चाहे वो अवैध शराब हो या ड्रग्स का इश्यू हो, उस पर हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करने वाले हैं और ट्रैफिक नियंत्रण में भी जनता के सहयोग से प्रयास करने वाले हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो। सर, एक सवाल मेरा आपसे है, सर गर्जिया मंदिर के समीप जो नहर है कोसी नदी, सर वहाँ पर हर महीने एक लोग मरते हैं डूब करके, सर वहाँ पर एक बहुत गहरी खाई बनी हुई है पानी के नीचे जहाँ पर लोग जाते हैं सैलानी जाते हैं घूमने के लिए, सर कल भी एक लड़की एक्सपायर हुई है कशिश नाम की, तो सर वहाँ के लिए कुछ कीजिए सर आप उस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए। नहीं तो वहाँ कुछ ऐसा है जहाँ पे सर वहाँ पर कुंड बना हुआ है, कुंड बना हुआ है जाने जाते हैं, मंदिर के नीचे कुंड बना हुआ है सर, कुंड के जा करके सब लोग जाते हैं घूमने के लिए नहाते हैं उसमें, तो कोशिश कर लेते हैं कि उसका दुर्घटना के पॉइंट को कैसे कम, दुर्घटना पॉइंट के लिए सर आप कहिए सर, सर वहाँ पर सर हर महीने सर एक लोग मतलब सर एक्सपायर होते हैं उधर, कोशिश करके जल पुलिस के कुछ, जी सर जी सर, थैंक यू सर। सर पीर बंदारा में काफ़ी चोरी घटनाएँ छीनने वाली और चोरी हो चुकी है, वहाँ तक अपने किसी भी गिरफ्तारी कोई घटना का संज्ञान नहीं लिया है, वहाँ काफ़ी सुस्त है, उसके बारे में क्या कहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गलत है और हम उसकी जांच कराएंगे और बेटर पुलिसिंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। पॉइंट से पहले सर मैं आपकी नॉलेज में डालूंगा, हटाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है कभी भी, पॉलिश करना एकदम होल सोल्यूशन। और सर रामनगर में गणपति सर के टाइम पे अगर आपको भी पता होगा, 2 साल पहले सुगम पर्यटन का एक लोगो लॉन्च किया गया था ऑल ओवर उत्तराखंड, जिसमें रामनगर में हम लोगों ने उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से उसको लॉन्च करा था और हमने उसको सपोर्ट करा सर, पहली चौकी हम लोगों ने पुलिस के साथ में आमडंडा के पर बनाई जो अभी भी है, मैंने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करी थी, इन्होंने स्टाफ रखा सर वहाँ पर, अभी फिर दोबारा से पर्यटन सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है आपके पास स्टाफ कम हो, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो आप हमारे थाने को सर थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा दीजिए जो सिर्फ टूरिस्ट की जो चौकी है आमडंडा में, क्योंकि अब सर टूरिस्ट सीजन आ रहा है, दशहरा है, दिवाली है, वीकेंड्स है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो थोड़ी सी एक तो हमको सर सपोर्ट चाहिए आमडंडा में, ठीक हो जाए। और इसी चीज में मैं नशे के लिए भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप देखें, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सब चीज पुलिस करेगी तो आदमी क्या करेगा, बच्चा नशा कर रहा है, आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है, तो आप कम से कम उसको टाइम दें। मैंने अभी इतनी काउंसलिंग करी तो माँ बाप कहते हैं कि साहब हम तो स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद हमको क्या पता बच्चा कहाँ जा रहा है, अभी आप लोगों ने भी कहा, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई आपका बच्चा स्कूल है तो स्कूल गया या नहीं, जब वो वापस आया आपने होमवर्क चेक किया या नहीं, उसने होमवर्क किया या नहीं, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। तो ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है और ये बहुत वैसी गुजारिश नहीं कर रहा, ये आपका कर्तव्य है, मैं बस याद दिला रहा हूँ कि आपका भी कर्तव्य है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर आप जरूर वो रखें, और फिर भी कर रहा है तो आप हमको बताएं, तो हम उसकी काउंसलिंग करेंगे या जो भी हमारा लीगल एक्शन है वो लेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी
जनप्रतिनिधिगण और रामनगर क्षेत्र के सभी सम्मान नागरिकगण, विभिन्न संगठनों से आए सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, एक हफ्ते में आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे क्या एक्शन हुआ और क्या नहीं हुआ। जो सामूहिक मुद्दे हैं उस पे अगर हम बात करें तो दो तो बड़े मुद्दे हर किसी ने उठाए हैं, वो है एक है ड्रग्स और दूसरा है ट्रैफिक। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो नशा ऐसा क्राइम है जिसमें विक्टिम और अक्यूज दोनों ही पुलिस के पास नहीं आते, आप समझे। अगर किसी के इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल जन्मे जे खंडूरी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस एवं सीपीयू की जनशक्ति बढ़ाने हेतु आदेशित किया गया है, जिससे रामनगर की यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से दुरुस्त किया जा सके। इसके अलावा इस बैठक में उपस्थित नागरिकों के द्वारा नशे को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प भी लिया गया। नहीं चल रहा है और अपने आदर से चल रहा है तो सारे वहीं पर हैं और वहां पर होने के कारण सारी भीड़ वहां पर रहती है, तो उसका स्थायी समाधान संयुक्त बस अड्डा है। यदि वास्तव में सब लोग आप चिंतित हैं, वो प्रशासन सरकार सरकार को कोई सुनने वाले, सरकार सुन ही नहीं रही है, प्रशासन भी चिट्ठी भेज रहा बाद में, तो कहीं कोई नहीं है, खाली बातें हो रही हैं। इसलिए स्थायी समाधान की ओर यदि वास्तव में गंभीरता है तभी जाकर के हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ बाहर के व्यक्तियों द्वारा कभी ना कभी छेड़खानी का समस्या सामने आती रही है, जिसके लिए मैंने कभी कोतवाल साहब को हमेशा से बोलते हैं कि आज हमारे साथ इनकी ये छात्र के साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है। तो मैं आपसे ही मांग करना चाहता हूँ कि लखनपुर चुंगी से लेकर बैराज तक आप उसमें कम से कम 2 या 3 CCTV कैमरे लगाइए और उसमें जो हमारे उस रोड में लखनपुर चुंगी से बैराज तक में एक भी वहाँ LED लाइट्स नहीं है, नाइट के टाइम पर कोई वहाँ पर वॉक नहीं कर सकता और जो हमारे हॉस्टल और जो हमारे कैंपस के हैं लोग जो वहाँ रहते हैं उनके लिए वहाँ पे काफ़ी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि रात के टाइम पे ज़्यादातर लोग नशे में रहते हैं और वो उनके साथ कभी मारपिटाई करते हैं, कभी अभद्रता करते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप 2 या 3 CCTV कैमरे हमारे कॉलेज के परिसर का आगे जरूर लगाइएगा। TV News चैनल के लिए उधम सिंह राठौर की रिपोर्ट, रामनगर, उत्तराखंड।